नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में सितंबर में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर में नगर निकाय चुनाव कराए जाने की बात, यानी कि इस दौरान अक्टूबर महीने में चुनाव होने की बात कही जा रही है। पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चुनाव संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही साथ आयोग की तरफ से जिलाधिकारियों को कोषांग गठन करने की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मतदाता सूची में सुधार कर उसमें अनुमोदन करने की बात कही गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में चुनाव आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने चुनाव की तैयारियों के बारे में जाना। साथ ही साथ ईवीएम की कमिश्निंग संबंधित कार्य निकाय के तीन पदों के अनुसार मतगणना किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में भी जाना। साथ ही साथ मतदान के दौरान कितना पैसा खर्च हो सकता है इसके बारे में नगर विकास विभाग को पत्र भेजने की बात कही। साथ ही साथ मतदान सामग्रियों के बारे में भी उन्होंने जाना है। बता दें कि इस बार का नगर निकाय चुनाव कई मामलों में अहम होने वाला है। बता दें कि पिछली बार की तुलना में इस बार निकाय की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पटना नगर निगम में मेयर पद और महापौर को लेकर सबकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। पटना में मेयर पद का सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इस पद के लिए करीब एक दर्जन से ज़्यादा पुरुष उम्मीदवार तैयारी में थे, लेकिन अब यह सीट महिला हो गई है। ऐसे में उन्हें एक बड़ा धक्का लगा है, वे चुनावी रेस से बाहर हो गए। इतना ही नहीं, पटना नगर निगम के तहत महापौर की सीट भी महिलाओं के नाम से आरक्षित हो गई है। ऐसे में अब यहां भी पुरुष उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनाव की जैसे ही सुगबुगाहट तेज हुई थी, वैसे ही उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले आरक्षण रोस्टर में इस बार कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया। इस बार महापौर और मेयर का पद आम चुनाव में साथ होगा। ऐसे में उम्मीदवारों को इस बात की उम्मीद थी कि रोस्टर में बदलाव होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, जिसके कारण पुरुष उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगी। इस पूरे प्रकरण में यह है कि नगर निगम के चुनाव में जैसे ही एक्सटेंड किया गया, यानी कि निकाय की संख्या में बढ़ोतरी की गई, तो ऐसे में उम्मीदवारों को इस बात का अंदाजा था कि पिछली बार का जो रजिस्टर है उसमें चेंज किया जा सकता है और उसमें जो है आरक्षण सूची जो है सामान्य हो सकती है। ऐसे में पुरुष उम्मीदवारों को इस बार मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुराना जो नियम है, यानी कि पुराने रोस्टर को ही रखा गया, और ऐसे में पुराना रोस्टर जो है वो हर दो साल के बाद बदलता है, और पिछले ही साल नया रोस्टर लागू हुआ था। ऐसे में इस साल उस नए रोस्टर में बदलाव नहीं किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो निकाय चुनाव में मेयर, उपमेयर, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं प्रमुख पार्षद एवं उप प्रमुख पार्षद के आरक्षण रोस्टर का निर्धारण निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा, तो वहीं वार्ड पार्षद का आरक्षण का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर 25 से 31 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जिन निर्वाचन क्षेत्र में पहले से निगम का निर्धारण हुआ है, वहाँ पर नया रोस्टर लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में नए नियम का गठन हुआ है, उन इलाकों में नए रोस्टर प्रणाली लागू होगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि 62 ऐसे नगर निगम हैं जहाँ पर नया रोस्टर लागू नहीं किया जाएगा, जिसमें कि पटना भी आता है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीने में प्रदेश में चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो और अक्टूबर में चुनाव कराने की पूरी संभावना है। तो ये थी नगर निगम से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।